एक तरफ भारत कोरोना से जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस महामारी का गलत फायदा उठा रहे हैं। उनमें से एक नाम है जाली मुखिया। वह भारत में कोरोना संक्रमित को दाखिल कराने का आरोपी है। जाली मुखिया पर आरोप लगे हैं कि उसने जमातियों को पनाह दी थी। मालूम हो कि रक्सौल सीमा पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने पाकिस्तान, इंडोनेशिया और भारत के कुछ जमातियों को रोका था, लेकिन वे किसी तरह नेपाल की सीमा में प्रवेश कर गए। जाली मुखिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो अपने आप को बेगुनाह बता रहा है और अपने आप को शेर कहने वाला इस वीडियो में गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। आप ये वीडियो देखिए। देश के दोनों नेपाल हिंदू भारत के बेटी रोटी के सवाल के टूटे वाला सर्जन हो रहा तो जब जब संकट पड़ेला तब तब एक उजागर करेला। एकरा से केहू के चरण पर केहू के देश के हत्या कइल आज तोहनी मीडिया बाड़ा जाली मिया तोहनी के सामने बाड़े सारा प्रशासन के सामने बाड़े इतिहास तोहनी के सामने हमनी के बा जितना ये मीडिया भारत के मीडिया उछाल पुछाल कर रहा था एको को कहीं बा कौन साबित हमार देश यही तरह हमार प्रशासन हमार देश चलावे वाला वो भात खाली खाता। मुखिया जी जैसे अभी जो मेडिकल टीम आयल बटे यहाँ क्राइम के टोली लोग भी आयल बा लोग कथी करे आयल बा ये हमने के एक ये लोग को हम बोलो नहीं मान जी कि हमने के आके हमने के घर भर कर वो चेक कर ली कम से कम हमने तो अपन स्वच्छता जहाँ वीआईपी लोग सब लोग चेक करा होता तो हमने क्या हमार देश यही तरह हमार प्रशासन हमार देश चलावे वाला वो भात खाली खाता। मुखिया जी जैसे अभी जो मेडिकल टीम आयल बटे यहाँ क्राइम के टोली लोग भी आयल बा लोग कथी करे आयल बा ये हमने के एक ये लोग को हम बोलो नहीं मान जी कि हमने के आके हमने के घर भर कर वो चेक कर ली कम से कम हमने तो अपन स्वच्छता जहाँ वीआईपी लोग सब लोग चेक करा होता तो हमने के अपना स्वच्छता से तो अपन मैंने हमने चेक करा ली थे हमने के भी अपन मैंने ढुक कर रही सो हमने के भी हर वीआईपी के लगे जाए के बाद हर जगह हमने के जाए के बाद यहाँ एथी ना ये खत्म होगा था हमने के कदी मान लॉकडाउन यहाँ हम भी कहीं जा सकते नहीं तो हमने के परवान तो कहीं शंकाजनक ना रही ना रही परसों से मिले के बाद अभी स्वैब हो गया अपने के टेस्ट अपने के हो गए कौ आदमी के टेस्ट पहले हमने पूरा घर भर के कितना आदमी बालो लोग 16-17 आदमी ये लोग क्राइम के टोली कथी करे लोग संगे आये जोन भारतीय मीडिया में जो किस्म के अपने के बारे में न्यूज आवता कि अपने ही मंगे ले बानी कहोगे का है यथार्थ ना ना हमने अभी लेता नहीं पहली बार अपने मीडिया है अपने अपने मीडिया है मीडिया बानी देश के अपने के रोग तो हमारे इतिहास मालूम मानू जी हमने के प्रशासन का हमने के इतिहास मालूम बाकी ना मालूम तो भारत का हम पूछते नहीं हरदम चाय जो भारत वाला हाथ हथियार के फायरस हम पैदा करते नहीं आवाज एगो होता कि एक बेर लखो कि भारत में पहुंच अथी जाली 20-30-200 आदमी के पेठा रहा बड़े कोरोना के आजू एक आदमी निकले बाने करी से उन्हें से जाली मिली आई बड़े छपिया वाला के उन्हें से पैसे ही ले बड़े एक आदमी तुम्हार मीडिया में निकले बा कि जालिम ट्रांसपोर्ट करो तरह एक बेर इन्हें से पैठा होता रहे एक बेर उन्हें से ट्रांसपोर्ट होगा कहा जाली अब देखिए मिले अपने बात अपने ऐसे ऐसे ही सभी झूठ के बवाल बा एकनी के तोहनी के इस संकट में हमार मदद करो हमार मदद छोट मदद करो इस देश के 3 करोड़ जनता हमरा संगे बा सारा नेपाल के मीडिया हमरा संगे बा कि हकीकत चीज में भारत के इतना बड़ा बेईमानी ये पत्रिका निकाले तो कहाँ से वो गाइड बा वो कौन गिरोह से गाइड बा एह तरह का ओकरा लालच बा ऐसे ही साफ गलत गलत चीज हो। अब ये तू बोलो जन छपैया टोल जहाँ जहाँ रहे ओकर ओने से टिकट रहो एने से जाए के टिकट रहे लॉकडाउन हो गए वो जंग बा ना जगन्नाथपुर हो गई बा ना कहीं गई बा ना ओकनी के हमने देखले बानी तो वही जहाँ सिलबंदी होके जहाँ जहाँ रहा बा सब चेक हो रहा बा उजालिम से तो कोनो सरकार नहीं के तुम के जगन्नाथपुर होके झुआ होके अमरपट्टी होके ई लोग अंतिम यहाँ आगे बैठल बा जगन्नाथपुर टोली गहिले नहीं के ई जो यतीम खाना के जो मौलाना बड़न वे कहले बड़न मौलाना ना जान थो ये लेकिन जानत घूमल के लोग पूर्व होइनु सरकार जोन बा चुप जा बैठी जहाँ जहाँ घूमल बा लोग वहाँ वहाँ खोजे जाता
ठीक वास्ते नहीं उन्हें नहीं कह गई ओकरा साथ में नहीं कौन कभी जोन भी हमरा साथ के ऊपर व्यवहार बात एकदम सही व्यवहार।